हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेके के सिपास यूट्यूब चैनल का आत्मा सेल्फ अभिनव चौधरी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे बोल देना चाहता हूँ कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर दे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव को बूटेबल कर सकते हैं बहुत आसानी से अपने कंप्यूटर की मदद लेके, और फिर उस पेन ड्राइव से आप अपने विंडोज भी चढ़ा सकते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, हम अपने डीवीडी को बूटेबल बनाते हैं, उसमें विंडोज सॉफ्टवेयर को डालते हैं और फिर उसके बाद हम अपने कंप्यूटर पर विंडोज चढ़ा लेते हैं बहुत आसानी से। चाहे वो विंडोज हो, विंडोज 7, 8, 10 या कोई भी विंडोज हो, हम उसे आसानी से अपने कंप्यूटर पर चढ़ा लेते हैं बस बूटेबल बनाने के बाद। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने यूएसबी ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं और फिर उससे आप अपने कंप्यूटर में विंडोज चढ़ा लेंगे बहुत आसानी से। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे करेंगे, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना होगा बिना स्किप किए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं और फिर उसके बाद आप अपने यूएसबी ड्राइव या पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेंगे और अपने पीसी में खुद से विंडोज चढ़ा पाएंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल? सब्सक्राइब करें टेकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस और पिक्सा ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स के सभी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी में आ जाना है और आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है रूफस। फ्रेंड्स, मैंने रूफस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। आप इसे डाउनलोड कर ले गूगल पे सर्च करके। रूफस डाउनलोड करने के बाद आपको मुझे सेलेक्ट करना है आईसो इमेज। आईसो इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने विंडोज 7 या विंडोज 8 जिसका भी बूटेबल बनाना है उसका आईसो इमेज सेलेक्ट कर लेना है, और आपको अपना पेन ड्राइव लगा देना है जिसे आपको बूटेबल बनाना है। उतना करने के बाद आपको वॉल्यूम लेवल सेलेक्ट कर लेना है और फिर स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपसे ऑप्शन पूछेगा ओके करने के लिए। ओके करने के बाद आपकी बूटेबल की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, और इसके बाद कुछ देर बाद आपका पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगा और फिर आपको डीवीडी की जरूरत नहीं। आप अपने पेन ड्राइव से ही विंडोज़ चढ़ा सकते हैं अपने कंप्यूटर पर बहुत आसानी से। तो आपको बस अपने पेन ड्राइव को बूटेबल बनने का वेट करना है, फिर उसके बाद हमारी प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कॉपिंग कर रहा है ISO फाइल को, जिसमें कि फाइल है अभी हमारा boot.wim, जो कि देख सकते हैं 137.6 MB की फाइल है। ये कॉपी कर रहा है इसे हमारे पेन ड्राइव में ISO फाइल से एक्सट्रैक्ट करके, ताकि हमारा पेन ड्राइव बूटेबल बन पाए। बस हमें वेट करना है इस फाइल के कॉपी हो जाने का। इसके बाद सारे फाइल इसी तरह धीरे धीरे कॉपी होते रहेंगे हमारे पेन ड्राइव में, और फिर हमारे पेन ड्राइव को बूटेबल बना दिया जाएगा। तो गाइज, मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ कि आपको ये ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाऊँगा, तो आप इसे गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर ले, वहाँ से आपको ये जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि ये ऐप मैंने बहुत पहले डाउनलोड किया था, इसीलिए मेरे पास इसका लिंक होगा नहीं, तो आप इसे गूगल पे सर्च करके डाउनलोड कर ले, आपको ये गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। तो गूगल पे बस सर्च करें रूफस फॉर विंडोज़, आप सर्च कर ले, फ्री डाउनलोड आपको मिल जाएगा ये ऐप तुरंत। फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो को फॉलो करते रहे, मैं आपको आगे स्टेप्स बता देता हूँ आगे आपको क्या करना है इसके बाद, और कैसे आपको पता चलेगा आपको पेन ड्राइव बूटेबल हुआ कि नहीं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जरूर से जरूर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे तरफ से जो भी नई वीडियो जाए वो सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आप हमारे स्टेप्स को फॉलो करते रहें। तो फ्रेंड्स, अब आप देख पा रहे हैं ये install.wm फोल्डर को भेज रहा है उसमें, जो कि 1.9 GB का फाइल है। तो अभी से ये कॉपी कर रहा है हमारे पेन ड्राइव में, और फिर ये बूटेबल बनाने के प्रोसेस को शुरू कर चुका है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके सारे फाइल्स को पेन ड्राइव में डाल देगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाते जाता हूँ आपको आगे क्या क्या इसमें प्रोसेस हो।
तो फ्रेंड्स अब आप देख पा रहे हैं हमारी प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है, अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुकी है, अप्रॉक्स 80% कंप्लीट हो चुका है। बस कुछ देर और फिर हमारा वो पेन ड्राइव बुटेबल बन जाएगा और फिर हम उसे हम यूज़ कर पाएंगे विंडोज चलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये अप्रॉक्स कंप्लीट हो गया है। अब सारे फाइल्स को जल्दी डाल रहा है क्योंकि वो सारे कम साइज़ के फाइल्स थे। जो मेन फाइल था वो था 1.9 GB का, तो उसे इसने डाल दिया उसी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये 100% कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा पेन ड्राइव बूटेबल हो गया। अब हमें ये बस फाइनलाइजिंग कर रहा है उस पेन ड्राइव को, फिर हमें बताएगा आउटपुट। देख सकते हैं ये 0% कंप्लीट NTFS में डाल दिया, इसने कह दिया डन। गाइस हमारा पेन ड्राइव बूटेबल हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं पेन ड्राइव में हमारे विंडोज 7 का फाइल चला चुका है। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम गाइस। Hello friends, myself Aminav Chaudhary and myself Avinash Chaudhary. We are Techie Kisi Bros. I hope you liked our today's video. So subscribe our YouTube channel right now and turn on the notifications so you won't miss this single video. So friends, chaliye milte hain apne agle video mein. Jai Hind, Vande Mataram.